एक बड़े हादसे की खबर आपको दे रहा हूँ। तुशाम रोड के ऊपर और एक रेलवे फाटक है, उस पे आर ओ भी बन रहा है, पीडब्ल्यूडी का और रेलवे का ज्वाइंट वेंचर आर ओ भी बन रहा है, वह भर भरा के वो गिर गया है। हम दिखाते हैं गिरी हुई तस्वीर। ये साइड में जो पुल की दीवारें बनती हैं, देखिए कितना हिस्सा इसका गिर गया है और एक बड़ा हादसा होता होता बचा है। देखिएगा कि ये 4 साल से इस पुल का निर्माण हो रहा है और ये तुशाम रोड के ऊपर जो फाटक है, जैसे ही हम गौशाला को क्रॉस करेंगे और सीधे तुशाम रोड की तरफ चलेंगे तो ये हिस्सा इसका भर भरा कर गिर गया है। और इस गिरने से कितना, यानी कि ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया है, साइड से जो पाथ बनाया हुआ है। तो यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे पूछते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी बताइए क्या ये तुशाम रोड का पहला फाटक है? हाँ जी, ये पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। हाँ। इसकी एक साइड की दीवार गिर गई है और इस दीवार के कारण एक ऑटो में 7 सवारी बैठी थी। हाँ। वो ऑटो टपते ही वो दीवार गिरनी शुरू होगी। अच्छा, ये कितने साल से बन रहा है? ये हो गया करीबन 34 साल हो गया। ये कौन बना रहा है इसको? ये दादू नाम का कोई आदमी है। नहीं, पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी उसने ठेका ले रखे है। पीडब्ल्यूडी और रेलवे वाले दोनों ही के दोनों का है। अच्छा, दादू कंस्ट्रक्शन कंपनी है। चलो, जो भी है कंस्ट्रक्शन कंपनी से तो हमें नहीं लेना है, लेकिन आप बताइए बेटे, बताइए ये कैसे गिरा है, कितने बजे हादसा हुआ ये? ये जी इसका तो पता नहीं, अभी कोई नेक्स्ट आधा घंटा पहले की बात है जी। अच्छा, तो जैसे ही वो ऑटो वाला आगे निकला और तभी भर भरा के ये गिर गया? हाँ जी, हाँ जी। और बच गए ऑटो वाले? हाँ जी, वो बच गए, सेफ है जी। बिल्कुल, दिखाइएगा अजय जी, ये देखिएगा कौन सी कंपनी है बेटा? ये जादू कंस्ट्रक्शन कंपनी, जादू। ठीक नाम बताओ। ठीक है, यही है जी। जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पीडब्ल्यूडी या रेलवे का, दोनों का ज्वाइंट वेंचर, ये पुल बन रहा है, इसकी एक दीवार भर भरा कर कितने, मेरे ख्याल कितने, ये कम से कम 30 से 40 मीटर की दीवार, ये ऊंची दीवार है जो गिर गई है। और कुछ हिस्सा इसका और भी, यानी कि जैसे ही यहाँ मिट्टी डल रही है तो और भी झुक गया है और बड़ा हादसा होने का अंदेशा है। और यहाँ पर यानी कि जेसीबी जरूर आई है, लेकिन अधिकारी कोई आया क्या? अधिकारी कोई पहुँचा है यहाँ पे? अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है, लेकिन हम आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे हैं कि ये तुशाम रोड के ऊपर ये जो रेलवे ब्रिज बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है पीडब्ल्यूडी की, और वो एक हिस्सा यानी कि उसका भर भरा कर 30 से यानी कि 40 मीटर का हिस्सा गिर गया है और बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। यहाँ प्रत्यक्षदर्शी गांव के लोग ये बता रहे हैं। कौन से गांव के हो तुम लोग? मोरपुरा के लोग यहाँ खड़े हैं, काफ़ी हजूम खड़ा है, और इनका कहना है कि एक ऑटो के अंदर 7-8 सवारियाँ थी और जैसे ही और ऑटो टपते ही ये भर भरा कर गिरा। मैं भाई साहब उससे जानूंगा, पहले बच्चा कहाँ गया वो जो बोल रहा था? हाँ, कोई भी दो दिन। हाँ, अब बताइए यहाँ कैसा है ठेकेदार, कैसा काम है यहाँ? ठेकेदार जी ठीक है, ठीक है, काम के हिसाब से सही है। अच्छा, काम के हिसाब से गिर कैसे गया? ये तो जो खर जैसा काम करेंगे वैसे उसी हिसाब से। हाँ, बताओ जी। हाँ बताओ, आज ही काफी दिन हो गए इसको चलते हुए, पूरा ही नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इधर, रास्ता नहीं है आने जाने का। आप तो कॉलेज के स्टूडेंट लगते हैं, तो कैसे जाते हो फिर स्कूल और कॉलेज में? नहीं, मैं ड्राइवर आदमी हूँ सर, इधर से ही जाता हूँ मैं गाड़ी लेके। तो कैसे टपना होता है? बहुत दिक्कत होती है, इधर उधर से घुमा फिरा के लेके जाना पड़ता है, उधर फाटक पे रास्ता नहीं है। तो आपने कभी पीडब्ल्यूडी या किसी और विभाग के अधिकारियों से कहा नहीं कि भी इस काम को सही करिएगा और जल्दी करिएगा? कोई नहीं सुनता है किसी की इधर। हमें एक बार पहले मीडिया वाले बुलाए थे। हाँ, ये हो गया मेरे ख्याल कम से कम 1.5-2 महीने की बात होगी। हाँ, उसके बाद में कोई इनका कोई कार्य कौन चल रहा है? हाँ, जिससे कि मान ली ये काम कर रहे हैं दो घंटा करे हैं, उसके बाद में लापता हो जाए सारे। हाँ, अभी 10 मिनट पहले काम वाले आ रहे थे, जेसीबी यही मौके पर खड़ी होगी, वो हमें हटाई है अभी पीछे टाच को, हमने पहले इसके वो करवानी है वीडियो लाइन, तो इसीलिए हमने आपको फोन कराया था। तो वो ऑटो दिखाइएगा जिसमें सवारियां बैठी थी, और कौन सा हम दिखाते हैं कि यार
ये ऑटो बस, ये हम बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया ये, और यहाँ से वाहनों की जाने के लिए भी रास्ता ब्लॉक हो गया है और कोई बड़ा वाहन नहीं जा सकता जो साइड में पाथ है। ये तुषाम रोड के ऊपर रेलवे फाटक के ऊपर ये ब्रिज बन रहा है, यह हम दिखा रहे हैं कि इसकी 30 मीटर दीवार गिर गई है और ये बड़ा हादसा हादसा बचा है और दीवार गिर गई है भर भरा के। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं हम, पहले भी एक एरोबी पे ऐसे ही नीचे गिरा था उमरा रोड के ऊपर जब कोई एक्शन हुआ था। अब देखिएगा कि यह आरोपी तुषाम रोड के ऊपर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ का दीवार का एक हिस्सा 35 से 40 मीटर हो गया। तीन साल का ठेका था जी, 4 साल हो गए जी और 10 दिन काम करे बिना में जी। एक प्लेट ऐसी लगा रखी है जो कि बीच से दो टुकड़े हो रहे हैं नीचे परली साइड की तरफ। तो फिर कैसे काम से फिर संतुष्ट कैसे हैं आप? संतुष्ट तो जी वह बात है, जैसी जनता रास्ता है कौन जी, ग्रामीणों ने टपन का रास्ता ही नहीं है जी आगे। ग्रामीणों का कहना है कि हमारा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये बड़ा हादसा होता होता है। फिर मैं बता रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज ये तुषाम रोड के ऊपर। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ, देखते रहिए हंसी की आवाज़।